want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और आप में जो मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट यूनियन है माइनॉरिटी की, वो मौजूद हैं। असम से आए हुए लोग हैं और वहां पे जो दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं माइनॉरिटीज को, उसके लिए बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तारकिन रहमान, मैं प्रेसिडेंट हूँ सब डिविजन कमेटी का। मुख्तार जी, ये बताइए कि ये जो आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या है बेसिक मुद्दे? हमारा बेसिक मुद्दे है, हम लोग आए हुए हैं असम के एक बीटीसी पार्ट है। बीटीसी एक यूनियन टेरिटरी है, बीटीसी का ट्राइबल टेरिटरी है, पार्ट है बीटीसी का। वहाँ से हम लोग आए हुए हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन, ओनली मुसलमान स्टूडेंट यूनियन। हमारा लीगल डिमांड, हमारा जो आज का डिमांड है कि हमारा प्रेसिडेंट को 2017 के 1 अगस्त को प्रेसिडेंट को मार दिया गया, गोली मार कर किसी ने मार दिया। हमारा वो लीगली डिमांड है कि अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। उनको शूट करके कोकराझार के बीच, शहर के बीचों बीच, कोकराझार के बीचों बीच मार डाला। पुलिस की प्रतिक्रिया क्या थी वहाँ पे? उस समय पुलिस की प्रतिक्रिया उस समय थी कि उसे तुरंत बीजेपी जो सरकार थी, सरकार तुरंत एक SIT आयोग बना के वो मतलब इंक्वायरी करने के लिए दिया था। लेकिन तकरीबन 4 साल बाद CBI ने 3 आदमी का नाम घोषित किया। ये तीनों आदमी इस मर्डर पे संलिप्त था, ऐसा बोल के CBI ने 3 आदमी का नाम घोषित किया। लेकिन अभी तक 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक एक भी बंदे को पकड़ नहीं पाया। क्या लगता है आपको वो एक डिमांड है? और खासकर देखिए, फिलहाल जो आसाम में जो चल रहा है, खास करके जब से चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा बना है, तब से आसाम में एक तरफ से माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले एविक्शन के नाम पर आसाम के भारत के मूल निवासी को टारगेट करके उनको घर से अलग कर दिया। दूसरी बात, और खाली घर से अलग ही नहीं किया, उसको उनको गोली मारकर हत्या तक की असम सरकार ने की। तो उस बात का हम कंडर करके, ये सब जो असम में चल रहा है उसके लिए, उसके डिमांड का हम यहाँ पर केंद्रीय सरकार, जो सेंट्रल सरकार है, उनको हम बोलने के लिए आए हुए हैं कि असम का जो फिलहाल जो मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है वो बंद करना चाहिए। वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और वो हमारे ह्यूमन राइट के खिलाफ है। ये बताओ, अभी जैसे आपने बताया कि तमाम जो मुसलमान हैं उन पे अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटी में है, तो ये जो अत्याचार है मुसलमानों पे अगर हो रहे हैं, तो मुसलमानों को आजकल ये कह दिया जाता है ना कि ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, उससे लिंक कर दिया जाता है मुसलमानों को। देखिए, हमारा पहले बात ये है कि जो देशद्रोही है, जो आतंकवाद है, उसको आईनी प्रक्रिया से उसको जेल सजा देना है, दे दो, उसे वो अलग मुद्दा है। लेकिन देशद्रोही के नाम पर ये पॉलिटिकली डाइवर्ट करके साधारण नागरिक जो दिन मजदूरी करता है, जो दिन भर काम करता है, दूसरों के घरों में काम करता है, वो कैसे देशद्रोही हो सकता है? तो आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है सारे ही मुसलमानों को टारगेट कर रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारे मुसलमानों। अभी देखिए, आज मदरसा के नाम पर असम में जो चल रहा है, जो सरकार ने खुद मदरसा बनाने के लिए DC से परमिशन दिया हुआ है, उन मदरसा को सरकार तोड़ के बोल रहा है कि ये जिहादी का ऑफिस कर रहा है। लेकिन जो तोड़ने की जो वजह, वो वजह दे रहा था कि इसको बनाने का जो तरीका था, तरीका अलग था, तरीका जो कानूनी हिसाब से तरीका नहीं हुआ था, इसलिए जमीनी हकीकत से उनको हम डिमोलिस कर रहे हैं। लेकिन उसी बात को घुमा फिरा कर हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला है कि जिहादी का ऑफिस तोड़ रहा है। तो आप ये बताओ, हर जो पार्टी होती है, अभी चाहे वो BJP है, हर पार्टी के अंदर माइनॉरिटी कमीशन होता है, उनका तमाम नेता होते हैं, तो क्या लगता है वो कोई कारगर साबित होते हैं? फिलहाल के दिनों में तो वो कारीगर नहीं हो रहा है। वो जीता जागता उदाहरण यह है कि असम में भी माइनॉरिटी विभाग का, माइनॉरिटी आयोग का एक आयोग है, वो पॉलिटिकल दल जो असम का जो रूलिंग पार्टी जो है उसके दल में भी है, पार्टी में भी है, और असम के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में है। लेकिन जिस तरह से उन लोगों का काम करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल सरकार के साथ ही है। वो जन मतलब साधारण नागरिकों की जो जिस हिसाब से जो मुद्दा है, जमीनी जो हकीकत जो मुद्दा है, उन मुद्दे में वो लोग आयोग काम नहीं करता। तो क्या करेंगे अब आप लोग, क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है वो तो ये देखा जा रहा है, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इवन पत्रकार होते हैं, अगर इस तरह के मुद्दे उठाते हैं उन पे
केस होते हैं वो जेलों में बंद हो जाते हैं, कैसे देखते हैं? मतलब इंसाफ मिल पाएगा? देर से ही, लेकिन इंसाफ तो मिलेगा। आया जो यहाँ का जो सरकार है, बीजेपी सरकार सेकंड टाइम चल रहा है, यही वो थर्ड टाइम में आएगा, फोर्थ टाइम में आएगा, इनका तो अंत होना है। जिस हिसाब से राजनीति चल रही है और जो माइंड डाइवर्ट हो गए हैं लोगों के, आज के टाइम पे बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित 2014 से पहले राष्ट्र सुरक्षित नहीं था, लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है या भक्त को लगता है, यही तो बात है। 2014 से पहले भी राष्ट्र सुरक्षित था और आगे चाहे नरेंद्र मोदी रहे ना रहे, चाहे हम रहे ना रहे, देश सुरक्षित रहेगा। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह का इन्फ्लेशन फैला रहे हैं समाज के अंदर? भाई बॉलीवुड की अगर एक्ट्रेस की बात करें, उन्होंने कहा 14 से पहले कुछ ऐसा लगता नहीं, 14 के बाद मुझे सुरक्षा फील हो रही है। ये बॉलीवुड का एक्टर मालूम नहीं ये सब कहाँ से इतिहास भर के आते हैं, शायद ये मंगल ग्रहों से आते हैं, मंगलयान से धरती पर आते हैं, ऐसा होगा। देखिए बॉलीवुड वो अलग दुनिया है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन हकीकी बात यह है कि फिलहाल देश के जो असल मुद्दा है गरीबी मुद्दा है, फिलहाल देखिए गरीबी एक मुद्दा है और सामग्री का जो बढ़ती जो आमदनी है, बढ़ती जो दाम है, प्राइस है कम होता है, इस लोग इस मुद्दे को डाइवर्ट करके जो पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया वगैरह वगैरह में ऐसा करके कि लोगों का भटका रहा है कि देश को आगे लाना है। अगर बात करी जाती है जैसे बेरोजगारी का भी इंडेक्स आया था, उसमें जो भारत है और पिछड़ गया है, उसको सरकार खारिज कर रही है कि ये जो है नाम बदनाम करा रहा है देश का। अगर बेरोजगारी की बात करी जाए ये हाल है, बदनाम कर रहा है तो दिखा दो, नीति आयोग से दिखा दो, अपना एक कमीशन है भारत सरकार का, उस कमीशन का रिजल्ट दिखा दो, तब तो पता चलेगा ना कि ये फेक है या झूठ है। एक भारतीय जो है वो विश्व का दूसरे नंबर का अमीर आदमी है, कह रहे हैं भारत का नाम बहुत रोशन हो रहा है। हाँ मोदी जी का दोस्त तो भारत का नहीं, विश्व का दूसरा नंबर अमीर बन सकता है, लेकिन देश मोदी जी के हिसाब से नहीं चलेगा, इसका अंत होगा और अंत देश का जनता ही करेगा। अब आप लोगों का अगला जो कदम है वो क्या रहेगा इस प्रोटेस्ट के बाद? देखिए हमारा जो मेन मुद्दा था एक लेन का मुद्दा था, जो वर्ष से उस लेन में असम में जो रह रहे उसको लेन का पट्टा देना चाहिए, एक मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है हमारा लाफिकुल इस्लाम को न्याय देना चाहिए, एबीएमसी को न्याय देना चाहिए। तीसरी मुद्दा है मदरसे के नाम पर साधारण लोगों को आक्रमण करना, टारगेट करना बंद करना है, और जो भी देशद्रोही है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, उसको कानूनी हिसाब से सजा देना चाहिए। और अगला टारगेट यह है कि अगर हम अभी हम दिल्ली में आए हुए, इस दिल्ली में आने के बाद भी हमारा जो मेन डिमांड है वो डिमांड पर कोई कारीगरी नजर नहीं आता, तो हम इसके लिए यूएन तक जाने के लिए भी तैयार है। तो आप ये बताओ कि अभी तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग आए हो यहाँ पे, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, आप लोग चले जाओगे, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितने परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए कितनी परसेंटेज है जो प्रभावित हो रहे हैं इन चीजों से? साधारण नागरिक, खासकर आसाम के जितने भी मुसलमान है, जब से हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जीत गए बीजेपी, कैसे जीत गए फिर वहाँ पे? अभी ने बोला ना बीजेपी कैसे जीतता है, आदमी को गुमराह करके, लोगों को गुमराह करके बीजेपी जीत रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसका भी अंत होना चाहिए बस। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना बताया इन्होंने कि कैसे बीजेपी जीत रहा है, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं, अपनी परेशानी माइनॉरिटी हैं सारे, अधिकतर मुसलमान हैं, इनके एक साथी को मार दिया गया, मदरसों को आतंकी जो है अड्डा कहा गया, घर तोड़े गए, तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसका रोष एक तरह से प्रकट करने के लिए लोग यहाँ आए हैं। क्या सरकार इनको सुनेगी? क्योंकि आज जो समय चल रहा है उसमें मुश्किल है कि इस आम जन की जो आवाज़ है सरकार के कानों तक पहुंचे। तो क्या है आपकी राय, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।